सदन में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात का बिल आया था, उसका मैंने विरोध किया था। तो जब मैं गया वहां पर तो तमाम सवर्ण संस्थाओं ने मेरा विरोध किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, शीशे तोड़ दिए, हाथरस का कांड हुआ। मैं वहां पर पहुंचा, मेरे ऊपर हमला किया गया, स्याही फेंक दी काली वाली। मैंने कहा फेंको काली स्याही, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे काले कारनामे इन्हीं काली स्याही से मैं लिखने का काम करूंगा, और वो काम देश के सदन में और सड़क में मैं कर रहा हूं। कि अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है और एक आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उन दोनों लोगों के बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण जरूरी है कि जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको पहले बराबर में लाओ, और जब वो बराबरी पे आ जाए तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ, देखो कितने आगे भाग के दिखाएगा। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी, भारत माता की जय होगी भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ, और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी, माताओं बहनों, महंगाई के कारण भले तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, भले ही तुम रोटी ना पाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ये जो इनका फार्मूला है, मुसलमानों को ठीक करते करते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। साथियों और दोस्तों, सदन में जब भी मौका लगा आरक्षण की वकालत करने का, या देश के किसी हिस्से में दलितों पे, पिछड़ों पे कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जब भी देश के सदन में मौका लगा आपके इस छोटे भाई ने मजबूती से आपकी आवाज को वहां पर उठाने का काम किया, और मुझे अच्छा लगा। मैं छिंदवाड़ा गया था, उसके पहले सदन में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात का बिल आया था, उसका मैंने विरोध किया था। तो जब मैं गया वहां पर तो तमाम सवर्ण संस्थाओं ने मेरा विरोध किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, शीशे तोड़ दिए, और जब मैं वहां पर पहुंचा गेस्ट हाउस में तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप क्षत्रिय समाज के होके आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण रहने दो, 10% उनका क्यों कम कर रहे हो। कहने नहीं, कम थोड़ी हो रहा है। दलील क्या दी गई कि आपका आरक्षण तो कम हो ही नहीं रहा, 10% ये तो अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए 50% जो आरक्षण बचता है, जो गैर आरक्षित सीटें होती हैं, उसमें भी तो बहुत सारे लोग, पिछड़े और दलित समाज के लोग वहां पर सीटें पाते हैं, उनमें से 10% कम हुआ तो आपका कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ आपका? जब मैंने ये बात बोल दी तो बुरा लग गया लोगों को। तो मेरा यह कहना है कि इस बात की चिंता किए बगैर कि आपका समाज खुश होगा नाराज होगा, हिम्मत से मैंने हमेशा सही बात करने का संकल्प लिया, और जीवन भर वही बात करूंगा जो सच है। और सच ये है कि आजादी के 75 साल के बाद बुलंदशहर में सीआरपीएफ का एक जवान थाने में जाकर चिट्ठी देता है और कहता है कि फला तारीख को मेरी शादी है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे घोड़ी पर बैठना है। अगर 75 साल की आजादी के बाद एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पर बैठ के शादी करने की इजाजत नहीं है तो पूरे देश को इस सवाल को उठाना पड़ेगा, वरना यह गैर बराबरी की बातें खत्म नहीं होती।
राजस्थान में आजादी के 75 साल के बाद मंदिर प्रवेश की वर्जना है, उसको वर्जित किया जाता है। और तो और आए दिन खबरें आती हैं, मिड डे मील बनाने वाली महिला दलित समाज की है, गांव के लोगों ने कहा, हम गांव के बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, उनके अभिभावक पहुंच गए खाना नहीं खाएंगे। और सबसे ज्यादा जिस घटना ने अभी पीड़ित किया पिछले दिनों, वो घटना थी मध्य प्रदेश की। दलित समाज के लोग, उनके परिवार में एक मृत्यु हो गई, शमशान गए और शमशान में पहुंचे तो वहां लोग इकट्ठा हो गए, झगड़ा करने लगे, कहने लगे यहां पर आपको अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। अगर आजादी के 75 साल के बाद ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं और उस पर हम सारे लोग खामोश हैं तो हम कायर माने जाएंगे, हम फिर अपने आप को कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति करने लायक ना समझे। बताइए हो रही है कि नहीं हो रही। हाथरस का कांड हुआ, मैं वहां पर पहुंचा, मेरे ऊपर हमला किया गया, स्याही फेंक दी काली वाली। मैंने कहा फेंको काली स्याही, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे काले कारनामे इन्हीं काली स्याही से मैं लिखने का काम करूंगा, और वो काम देश के सदन में और सड़क में मैं कर रहा हूं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आर्थिक सवालों पर क्या हम सोचते हैं? आरक्षण के सवाल पर क्या हम सोचते हैं? दलील दी जाती है, अरे सब बराबर सब बराबर सब बराबर, क्या आप सबको बराबर मानते हैं? बराबर मानते हैं क्या? बराबर का अधिकार मिला क्या? आज भी हकीकत यह है कि अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है और एक आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उन दोनों लोगों के बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण जरूरी है कि जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको पहले बराबर में लाओ, और जब वो बराबरी पे आ जाए तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ, देखो कितने आगे भाग के दिखाएगा। लेकिन अब बात इससे आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, वैकेंसी कैसे निकलती है विश्वविद्यालय में? एक पोस्ट, एक पोस्ट, आरक्षण नहीं मिलेगा। विभाग है सरकारी, रेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, तमाम पब्लिक सेक्टर, सारा कुछ बेचने पे लगी हुई है सरकार। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार। और यह सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहती है वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे। क्या है बजट इनका? कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रिज बेचेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी, भारत माता की जय होगी भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ, और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते, सपूत नहीं कहलाते मोदी जी। आप भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। जब आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो आरक्षण किस बात का मिलेगा? प्राइवेट कंपनी किसकी है?
मोदी जी के मित्रों की है। और मोदी जी के मित्रों को कितना कर्जा मिला है आपको मालूम है? अंदाजा लगाइए, कितना अधिक सोच सकते हैं आप लोग? शायद सोच नहीं पाएंगे आप। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। उनका एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए की, और उसके ऊपर कुल कर्जा मालूम है कितना है? उसका नाम अभी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर लोगों की सूची में आ गया। इतना कर्जा दिया है मोदी जी ने, अगर आरपी सिंह जी को भी इतना कर्जा दे दे तो ये भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। कितना कर्जा दिया मालूम है? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। यहां बैठे इतने सारे लोग, आपको अगर भाई बैंक से 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना है, 365 कागज आपसे मांगे जाएंगे। खतौनी लेके आओ, प्रमाण पत्र लेके आओ, इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। और अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आप 10,000-20,000 रुपए बाकी होते हो तो आपको हवालात पे बंद कर दिया जाता है। तहसीलदार आता है, कहता है आपका 20,000 रुपए बाकी है बैंक का, चलो थाने। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, और 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और एक बहुत सुंदर सी फोटो भी आई थी, किसकी फोटो आई थी? ललित मोदी की फोटो आई थी, देखा था कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया सुंदर सी फोटो उसने अपनी डाली और भारत की सरकार को चिढ़ाया, 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 3,000 करोड़ लेके आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। देश की शिक्षा का बजट है 2%। आपके बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य का बजट है 2%। आपके खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बजट है 3,000 करोड़ रुपए। यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3,000 करोड़। सोचो जरा, उसका 3 गुना पैसा, जो पूरे देश का खेल बजट है, उसका 3 गुना पैसा लेके भाग गया विजय माल्या, उसका 7 गुना ज्यादा पैसा लेके अकेले एक आदमी भाग गया नीरव मोदी लेके भाग गया। और इसलिए साथियों और दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इन आर्थिक सवालों पर भी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर निजीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी तो कोई सरकारी संस्थान नहीं बचेगा, कोई आरक्षण नहीं बचेगा। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है, 55 करोड़ लोगों की। असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। लाखों करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए तो आपसे डीजल और पेट्रोल का टैक्स लगा लगा के वसूल दिया। अब फंसाए किसमें रहते हैं आपको? दिन रात हिंदू मुसलमान। और एक टीवी का डब्बा आप लोग अपने अपने घर में रखते हैं, 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहां पे मुर्गा लड़ाओ योजना चलती रहती है। 3-4 मुर्गे बैठ जाते हैं, अपना लड़ाते रहते हैं, उसी में आप लोग मस्त रहते हैं। दिन रात खाली नफरत फैलाने का काम, दिन रात हिंदू मुसलमान करने का काम। और इस देश में एक ऐसी धारणा का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने आप को तिरंगा और राष्ट्रवाद के नाम पे ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने।
52 साल तक। और इनका इतिहास ये कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, यह है इतिहास। इसलिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ, हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं। अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। क्या किया अयोध्या में इन्होंने? मैंने सारा कागज इस देश के लोगों के सामने रखा था और मैंने तो कानपुर में बड़ा सा बैनर भी लगवा दिया था अतुल जी। क्या लिखा था उसमें? चंदा चोरों से सावधान। बड़ा बड़ा बैनर लगवाया था, चंदा चोरों से सावधान। मामला क्या था मालूम है आपको? मामला यह था कि 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर, वहां कुछ लोगों को बसाने के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 2 करोड़ में। और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर वही 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली 18.5 करोड़ में। कितने में? 18.5 करोड़। 16.5 करोड़ का घपला 5 मिनट के अंदर। तो इसलिए तो मैंने इनको कहा था कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो और राम राम जपना पराया माल, यही काम है वाजपेयी। चंदा चोरी कर रहे हैं। अभी क्या निकला? प्लाटिंग करा रहे हैं वहां, कॉलोनी बना रहे हैं वहां, आपसे चंदा वसूलते हैं 1000 करोड़ रुपए और वहां जमीनों की दलाली और घोटाला कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये राम के हैं और ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ नोट कमाने के लिए बने हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बने। इसलिए इन सवालों पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है, इन सवालों पर हमें लड़ने की जरूरत है। और बहुत सही बात हमारे एक साथी वक्ता यहां पर कह के गए और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और आज मैं आरपी सिंह जी से भी यह बात कह के जा रहा हूं कि आप ध्यान रखिए इस बात का, जब सदन में कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, जो भी आरक्षित सीटों से जीत के हमारे सांसद भाई जाते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, जो भी पिछड़े वर्ग के हमारे साथी भाई जीत के जाते हैं वो किसी भी वर्ग के हों, जो भी सवर्ण दलितों और पिछड़ों का वोट लेके सदन में जाते हैं वो किसी भी वर्ग के हों, अगर मुद्दा आ रहा है और उनकी आवाज खामोश है तो उनका निकलकर विरोध करना होगा, उनके खिलाफ आवाज निकालनी पड़ेगी, उनके खिलाफ वोट देने का आह्वान करना पड़ेगा। वो संजय सिंह हो या अतुल प्रधान हो, इसकी चिंता मत करना। लेकिन अगर हम सदन में गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है आपके साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाना। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पा रहे तो आपको आवाज हमारे खिलाफ भी उठानी पड़ेगी। और यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। पिछले दिनों एक विषय पंजाब को लेकर भी यहां पर उठाया। मैं चाहूंगा आरपी सिंह जी, ये सभा समाप्त होने के बाद या कल या जब भी आपके पास विषय, आपके पास समय हो, आप आइए, मैं आपके साथ चल के पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उस मुद्दे पर आपके लिए साथ चल के बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों और दोस्तों, ये धर्म के नशे से बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को। ये जाति धर्म के नशा जो फैला फैला के समाज को विभाजित करके बांट के ये अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। आपको तो हिंदू मुसलमान में फंसा दिया, अडानी को अमीर कर रहे हैं, नीरव मोदी को अमीर कर रहे हैं, विजय माल्या को अमीर कर रहे हैं, देश के 1000 करोड़ रुपए लूट रहे हैं, बैंकों में जमा पैसा खाली कर रहे हैं, बैंक फ्रॉड हो रहा है आजकल,
34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया DHFL ने, 34,000 करोड़ का, और 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करने वाले DHFL ने 29 करोड़ रुपए चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक भी ईडी, एक भी CBI, एक भी बुलडोजर बीजेपी वाले के घर नहीं गया। पूछो क्यों नहीं गया, पूछे उनसे क्यों नहीं गया। ईडी किसके लिए बनी है? महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए बनी है, कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए बनी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को डराने धमकाने जांच कराने के लिए बनी है, इसलिए बनी है ईडी CBI। तो मैं तो ये कहता हूं, मैं भी अतुल जी से भी कह रहा था, आप सबके बीच में बात कह के जा रहा हूं, 23 मुकदमा बाबा जी ने लिखा है उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ, और राष्ट्रद्रोह लगाया, एक दिन में 9 FIR कराई, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। लेकिन मैंने बाबा जी से साफ साफ कहा 2300 मुकदमा लिखाओ, कल जेल में भेजना हो आज भेजो, आज भेजना हो अभी भेजो, लेकिन हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दादागिरी चल रही है, दो लोग इस देश में, एक मोदी जी एक अमित शाह, इतने गुरूर में लगते रहते हैं, मालूम पड़ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान उनका गुलाम है, करे 50 साल तक बीजेपी रहेगी। वाह, 50 साल तक बीजेपी रहेगी, इसका मतलब भारत का संविधान खत्म करने जा रहे हो आप, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने जा रहे हो आप, हमारे वोटिंग राइट छीनने जा रहे हो आप, कैसे 50 साल रहोगे हिंदुस्तान में? अरे तुमने तो देश का कुछ छोड़ा नहीं, सारा कुछ बेच डाला, GST लगा दी खाने पीने की चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे GST लगा दी, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, छाछ पे टैक्स, आटा पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, सारी चीजों पे टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया, 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट का घाटा हुआ। इन सारे सवालों पर हम सबको लामबंद होना होगा, इकट्ठा होना होगा और मिलकर आवाज लगानी होगी। मैं पहले भी आपके साथ जब भी कोई ऐसे मामले हुए रहा हूं, आगे भी रहूंगा, आगे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, जो बात अतुल प्रधान जी ने भी कही, पूर्व सांसद अदीप साहब भी कह के गए, हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही प्रार्थना है, इस बात से खुश मत होइए कि मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, ये उजाड़े जा रहे हैं, ये बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि नंबर आपका भी आएगा, नंबर हमारा भी आएगा, कोई बचेगा नहीं जो इनके खिलाफ बोलेगा। प्रोफेसर रतन लाल का भी नंबर आएगा, संजय सिंह का भी नंबर आएगा, अतुल प्रधान का भी आएगा, सबका आएगा नंबर। खुश मत होइए, ये अपने हिसाब से चलाते हैं बुलडोजर, अपने हिसाब से बुलडोजर चलाते हैं, इनका एक ही फॉर्मूला है, देश के नौजवानों हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, अग्निपथ योजना में तुम्हें बर्बाद कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे सेना में, तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इस देश के दलितों पिछड़ों शोषितों, भले ही कोरोना की महामारी में आपको दवा नसीब ना हो, बेड नसीब ना हो, इलाज के अभाव में जान चली जाए, नदी के घाट पे चील कौवे कुत्ते नोचते रहे तुम्हारी लाशों को, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही आपका व्यापार बर्बाद हो जाए, भले ही GST के चक्कर में इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमते रहना, बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों,
महंगाई के कारण भले तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, भले ही तुम रोटी ना पाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ये जो इनका फार्मूला है, मुसलमानों को ठीक करते करते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके चक्कर में मत पड़ना। जब भी ऐसे सवाल लेके आए, इनसे पूछना हमारे आरक्षण का क्या हुआ, बाबा साहब के सपने का क्या हुआ, बाबा साहब के लिखे गए संविधान का क्या हुआ, उस संविधान में दिए गए अधिकार का क्या हुआ, क्योंकि ये देश किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।